Hi guys, welcome to my shadows. And you must be wondering what I'm putting at my head. So this is the mask, the head mask which I made for you guys. So this is the content of today's video of mine. And you know I'm Shivangi and my channel name is My Shadow. So in today's video I'm going to show you a hair mask in which I'm using an onion. This is an onion, Multani Mitti, and two vitamin E capsules are used in this mask. And this mask is for glowing, getting a glowing and shiny hairs, and to get a better nourishment for your hairs, and it will make your hair very thick, strong, healthy and long. So all that we want for our hairs, so all these things can be get while using this mask. So come, let's see how I'm making this mask. ये जो hair pack है, इसको बनाने के लिए हमको चाहिए onion का juice. Onion का जो जो juice होता है, वो निकाल लीजिए. And अनियन जो है वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर्स का ग्रोथ करता है. और अभी ये जो है, ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर है, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा है. और ये जो है, ये विटामिन ई कैप्सूल्स है, जो दो हमें चाहिए. तो सबसे पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, एक मास्क तैयार करेंगे जो आपको आपके धुले हुए बालों पे यूज़ करना है. यू जस्ट हैव टू यूज़ दैट इन योर क्लीन हेयर. तो इससे क्या होगा, आपके बालों के पोर्स के अंदर तक ये जाएगा. इसको ओवरनाइट छोड़ना है, देन यू कैन सी कि अच्छा होगा इससे. सो अभी हम इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं. तो ये अभी हमने इसको वो करना है, इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है. नाउ यू कैन सी कि एक थिक पेस्ट बन गया है इसका. नाउ अबे ये विटामिन ई कैप्सूल जो है, इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इफ योर हेयर्स आर ड्राई, बिकॉज इसको एक वॉश्ड हेयर में यूज़ करना है. इन दैट केस आपके बालों को नरिशमेंट भी मिलेगा. And vitamin E capsules are very good for your health, hairs. So this three things can make your hair very nice. And ये इससे आपके scalp में अच्छे बाल आएंगे. And इससे ये होगा कि आपका hair growth भी अच्छा होगा. And आपके बाल जो greyish हो जाते हैं, whitish हो जाते हैं, उस पर भी ये प्रिवेंशन होगा. एंड मुल्तानी मिट्टी जो है, ये बहुत ही अच्छा है स्किन और हेयर के लिए. एंड इट्स आल्सो वेरी चीप. मैंने इस पूरे डब्बे मुल्तानी मिट्टी का आई ओनली हैव टू स्पेंड 25 bucks. एंड प्याज का जूस तो आप निकाल ही सकते हैं. और आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना है तो फिर विटामिन ई कैप्सूल में करेगा. इंस्टेंट ऑफ विटामिन ई कैप्सूल आप कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं नरिशमेंट के लिए, बट विटामिन ई कैप्सूल्स जो होते हैं वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इसलिए इससे एक बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा. सो नाउ अभी हमको इस मास्क को लगाना अपने हेयर्स पे और उसको ओवरनाइट छोड़ना है. तो गाइस अभी हम इसको अप्लाई करेंगे. तो अप्लाई करने के लिए हमको ये मास्क जो हमने बना के रखा है, इसको बालों पे लगाना है. यानी ऑलमोस्ट को ओवरनाइट छोड़ना है. ओके, तो अभी इसको आप धीरे धीरे से ऐसे बालों पे अप्लाई करिए. और इस पर मुल्तानी मिट्टी डालने से ये भी होगा कि आपका जो बाल है उससे एक स्मेल आती है अनियन से, एक बहुत ही पंजेंट स्मेल. उसको आप अच्छा कहिए या बुरा कहिए, एक स्मेल आती है.
So that smell will not come while applying this things also. तो अभी आप देखिए इससे इसको मैंने अप्लाई किया मेरे स्कैल्प पे, तो ये भी अप्लाइड है. तो आई एम नॉट यूजिंग ब्रश बिकॉज इफ यू वॉन्ट मोर हाइजीन एंड यू नो, अगर आप नहीं चाहते कि आपके हैंड्स गंदे हों तो इन दैट केस यू शुड नॉट यूज योर हैंड फॉर अप्लाइंग इट. बट आई एम वेरी कम्फर्टेबल फॉर अप्लाइंग माई हैंड्स बिकॉज आई फील गुड इफ आई एम अप्लाइंग माई हैंड्स. तो अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर माई स्कैल्प एंड हेयर्स सब जगह. यू हैव टू अप्लाई दिस ऑल ओवर योर स्कैल्प. Should be applied in a very gentle manner. तो इसको apply करिए. You can see कि ये भी हो रहा है. कल जब सुबह मैं इसको wash करूँगी I'll use shampoo. तब मैं देखूँगी कि शायद मेरे अच्छे हो जाए. मैंने अभी इसको अप्लाई करना शुरू नहीं किया है. ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ऑफ मेकिंग एनी हेयर मास्क जो मैंने कहीं से देखा नहीं है. ये मेरा खुद का DIY है. मैंने सोचा व्हाई नॉट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हेयर्स को अच्छा बनाने के लिए. हैज़ यू ऑल नो कि अभी मेरे हेयर उतने लंबे नहीं है एंड आई एम ए बॉन्ग सो दुर्गा पूजा इज़ ऑन माई हेड. सो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा पैम्परिंग करना तो बनता है, इसलिए आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स. तो अभी थोड़ा सा ही बचा, ये देखिए ख़त्म हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी. तो So after using the pack, I'm just using this this cap so that it can't go displaced because I'm just keeping this mask overnight. And I hope you like this mask. And please, if you like my video, then please do like, comment, share. And please subscribe my channel. Thank you guys.